वही पुरानी स्कूल लाइफ स्टोरी में प्यार मोहब्बत इश्क धोखा देख के बोर हो चुके हो तो मेरे प्यारे मित्रों, यह एनिमे सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस एनिमे में फुल ऑन बदमोशी है। तो इस बदमोश एनिमे का नाम है विंड ब्रेकर, जो स्प्रिंग सीजन 2024 में रिलीज हुआ है और ये जैपनीज इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में इसलिए मिल जाएगा। ये स्टोरी एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसको पब्लिकली आउटकास्ट कर दिया जाता है इसके अपीयरेंस की वजह से। ये स्टोरी है माकोशी टाउन का, जहां मेन कैरेक्टर हारुका साकुरा फोरिन हाई स्कूल ज्वाइन करता है। जब हारुका टाउन में आता है, स्कूल एनरोलमेंट से पहले स्ट्रीट फाइट में फंस जाता है, जिसकी वजह से पूरे टाउन और स्कूल में फेमस जाता है। टाउन्स के लोगों का सपोर्ट और एप्रिसिएशन देखकर हारुका सरप्राइज हो जाता है। इससे हारुका डिस्कम्फर्ट फील करता है, क्योंकि काइंडनेस को पहली बार एक्सपीरियंस करता है ये। टाउन्स पीपल के एक्सेप्टेंस का एहसास पाने के बाद हारुका में चेंजेस आने लग जाता है और यहाँ से हारुका की जर्नी स्टार्ट होती है बोफरीन में। हारुका का कैरेक्टर थ्रू आउट सीरीज काफी ग्रो होता है। पहले वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे प्राउड करता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि हारुका अकेले अब टॉप पे नहीं जा सकता, उसे लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, जिससे हारुका लोगों को एक्सेप्ट करने लग जाता है अपनी लाइफ में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है थ्रू आउट द सीरीज। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हारुका साकुरा, जो की हाई स्कूल स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में और ये काफी अच्छा फाइटर है। और सेकेंड कैरेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है हारुका को चेंज करने में, जिसका नाम है कोतोहा ताचिबाना, जो कैफे की मैनेजर है। और थर्ड कैरेक्टर हारुका का क्लासमेट आकिहिको निरेई। फोर्थ कैरेक्टर भी हारुका का क्लासमेट है, जिसका नाम है हायातो सुओ और ये भी काफी अच्छा फाइटर है। और हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है हाजमे उमेमिया, ये हाई स्कूल स्टूडेंट है थर्ड ईयर का और बोफरिन का लीडर है। अब बात करते हैं इसके एनिमेशन का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। फाइट के टाइम पे इसका एनिमेशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर इस एनिमे को रेट करना हो तो 10/10 दूंगा। और इनके एनिमेटर को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि फाइट सीक्वेंस की क्या ही खतरनाक कोरियोग्राफी करी है। और ये बात होगी हाई क्वालिटी एनिमेशन की। और इसका कैरेक्टर डिजाइन भी काफी कूल और अट्रैक्टिव है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट पर्टिकुलर सीन को काफी ज्यादा एनहांस करता है। और इस एनिमे का ओपनिंग और एंडिंग थीम सॉन्ग काफी डिसेंट है। विंड ब्रेकर एनिमे में एक्शन सीक्वेंस इसका की पॉइंट है, जो हर एपिसोड में एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि आगे क्या होगा। और ये ऑडियंस को ग्रैब कर लेता है अपने धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस से। सब कुछ बढ़िया था इस एनिमे का, लेकिन एक पॉइंट जो मुझे समझ नहीं आया कि फाइट तो फाइट होता है, चाहे किसी को बचाने के लिए करो या फिर अब ऐसे ही करो, इसमें अच्छा और बुरा फाइट क्या होता है? और ये बात तुम्हें भी अजीब लगे तो कॉमेंट करके बताना। ये सिर्फ माइनर पार्ट है, बाकी ओवरऑल एनिमे देखा जाए तो काफी अच्छा है और अपने एक्शन जॉनरा में ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छे से फिट होता है। अगर एक अच्छा एनिमेशन अच्छे कैरेक्टर डिजाइन के साथ और एंगेजिंग स्टोरी देखना चाहते हो तो इस एनिमे को जरूर देखो। इसका सेकंड सीजन भी अनाउंस कर दिया गया, जो 2025 में रिलीज होगा। और इस एनिमे को मैं सभी लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूँ जिनके गली मोहल्लों में फाइट नहीं हो रही। तो क्या हुआ, इस एनिमे को देखो। तो आज की बदमोशी को यहीं खत्म करते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।